दोस्तों कल हमने सेकंड थ्योरम पढ़ी थी लिमिट से संबंधित कोची सीक्वेंस की, तो वो हमने बिल्कुल अच्छी तरीके से की थी। और मैंने आपको बताया था कि हम इससे संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फर्स्ट थ्योरम और सेकंड थ्योरम से संबंधित आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि इस तरह के यूजफुल वीडियो मैं आपके लिए हमेशा लाता रहता हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। क्वेश्चन करने वाले हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में आने लायक है, वे क्वेश्चन मैं आपको सारे करवा रहा हूँ। कुछ एग्जाम्पल रह गए थे, कुछ क्वेश्चन हमने पहले ही हम कर चुके हैं एक्सरसाइज से संबंधित। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो शुरू से लेकर अब तक जो 28वां लेक्चर है ये, और अब तक आपने नहीं देखे हैं शुरू से लेकर, तो आप सबसे पहले वही काम कीजिए, शुरू से लेकर ये अब तक के जो आ गए हैं लेक्चर, ये लेक्चर शुरू देखिए। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के इस वीडियो में मैं करवाने वाला हूं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है जो लगभग एग्जाम में आ जाता है, हर बार लगभग पूछा जाता है, तो इस तरह से आपको चीजें तैयार करनी है। चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। क्वेश्चन मैं लिख देता हूं दोस्तों। इफ एक्स एन इक्वल एल एंड एक्स एन ग्रेटर देन जीरो एवरी फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, देन लिमिट एक्स वन डॉट एक्स टू डॉट एक्स थ्री एक्स एन की पावर वन अपॉन एन इक्वल एल। क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन क्या कहता है, अगर एक्स एन बराबर एल हो, एक्स एन ग्रेटर देन जीरो हो, और एन कहां से बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर से, तो आपको प्रूफ करना है कि जो लिमिट एक्स वन डॉट एक्स टू डॉट एक्स थ्री डॉट 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 एक्स एन की पावर वन अपॉन भी क्या होगा, एल की ओर अग्रसर होने वाला है। ध्यान से सुनिए ये क्वेश्चन, यही ये क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन बता देगा कि किस प्रकार इस क्वेश्चन को आपको चलाना है। देखिए यहां पर x1 डॉट x2 x3 इस प्रकार करके आपको दिया है, तो सबसे पहले आप इसमें इस तरह के क्वेश्चन आपको डॉट में मिलेंगे, तो आपको लॉग की प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। लॉग आपको आता है, बिल्कुल आसान चीजें हैं वो, तो आप शुरू से 11th 12th से वहां से सीखते आ रहे हैं, तो वो उसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो लॉग की प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए, जितनी भी लोग अम अपॉन अन क्या होता है, लोग अम की पावर अन क्या होता है, लोग अम प्लस अन क्या होता है, वो सारी प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी पड़ेगी। तो कैसे हैं, चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। आपको दिया है, गिवन क्या है सॉल्यूशन इसका, गिवन आपको क्या दिया है कि एक्स अन बराबर अल, लिमिट एक्स अन बराबर अल है दोस्तों ये, यानी इसकी लिमिट आपको एक्स अन की जो लिमिट है आपको अल दी गई है। तो आप इसमें अगर लॉग लगाते हैं, लिमिट लॉग एक्स एन इक्वल लॉग एल। अब आपको जो थ्योरम मैंने बताई थी, अब यहां पर इन चीजों का प्रयोग होगा। दो थ्योरम मैंने बताई थी आपको, जो कोची की फर्स्ट थ्योरम थी उसी के तहत ये चीजें होगी। जो कोची फर्स्ट थ्योरम से लिखना पड़ेगा आपको, कोची की फर्स्ट थ्योरम से। तो कोची की फर्स्ट थ्योरम के तहत आपको क्या है, यहां पर ये देखिए प्रॉपर्टी इसी तरह से, लोग एक्स एन को आप क्या लिख सकते हैं, लोग एक्स वन प्लस लोग एक्स टू अपॉन में क्या है साथियों, एन है, और बराबर लोग एल है, और यहां पर इसकी लिमिट भी लगी हुई है। सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, समझ में आ जाएगा। अब आपको पता है दोस्तों, आप लॉग एक्स वन प्लस लॉग एक्स टू, वही प्रॉपर्टी लॉग एम वन प्लस लॉग एम टू प्लस लॉग एम थ्री को आप क्या लिख सकते हैं, अंदर मिलाकर दोनों को डॉट के रूप में लिख सकते हैं, गुणा के रूप में, मल्टीप्लीकेशन के रूप में लिख सकते हैं, यानी लॉग एम प्लस एन को आप क्या लिख सकते हैं, लॉग एम प्लस लॉग एन को आप लिख सकते हैं लॉग एम एन, दोनों को साथ में करेंगे तो ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, लॉग एम प्लस लोग अन वाली प्रॉपर्टी वो क्या होती है, लोग अम डॉट अन, ये प्रॉपर्टी आप यहां पर अप्लाई करेंगे तो लिमिट लोग, यहां पर देखिए ये प्रॉपर्टी आपको अप्लाई करनी है, तो लोग एक्स वन डॉट एक्स टू डॉट डॉट एक्स एन, और अपॉन में अन है ही यहां पर, और इक्वल होगा लिमिट सॉरी लोग एल। ये चीज क्लियर हुई है आपको। अब ध्यान से सुनिए, एक और लॉग की प्रॉपर्टी लगेगी, केवल मात्र आपको लॉग की प्रॉपर्टी लगानी है। एक बार आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ने वाले हैं।
ठीक है, अब देखिए आपको पता होना चाहिए कि दोस्तों अगर लॉग एम की पावर एन होती है तो आप इसे लॉग एन लॉग एम लिख सकते हैं। ये प्रॉपर्टी आपको याद होगी, इसी प्रॉपर्टी का हम प्रयोग करेंगे। वन अपॉन एन क्या है, यहां पर एन की जगह वर्क करेगा, तो इसे आप इस तरह भी लिख सकते हैं। तो आप क्या लिखेंगे, लिमिट लॉग एक्स वन डॉट एक्स टू एक्स एन, ये ऊपर चला जाएगा वन अपॉन अन में और लॉग अल आपके इक्वल होगा। यही तो आपको प्रूफ करना था, लॉग से लॉग हट जाएगा। तो यहां पर दोस्तों लिमिट एक्स वन डॉट एक्स टू एक्स अन अल के इक्वल हो जाएगा, और यही आपको क्या करना था साथियों, प्रूफ करना था, और यही आपका प्रूफ हो चुका है। और इसकी पावर वन अपॉन अन है, सिंपल सा क्वेश्चन था दोस्तों, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है आज के इस लेक्चर का, जो निश्चित रूप से पूछा जाएगा। उतार सकते हैं आप या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद इतना ही हमने स्टेप किया है, उतार लिया होगा दोस्तों, एक सेकंड का समय लगता है स्क्रीनशॉट मेरा। चलिए एक और क्वेश्चन मैं लिखता हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द सीक्वेंस If the sequence an and bn converse to a and b, then so that, तो आपको क्या दर्शाना है साथियों, limit ए वन बी एन माइनस ए टू बी एन माइनस वन सारी चीजें उन्हीं का प्रयोग करना है हमने, फर्स्ट थ्योरम और सेकंड थ्योरम का। आपको देखते ही लग रहा होगा कि इसमें हमें फर्स्ट थ्योरम का ही उपयोग करना है, क्योंकि इसी तरह की वो तो थ्योरम थी फर्स्ट थ्योरम, केवल मात्र इसी तरीके का स्टेटमेंट था। सेकंड थ्योरम कितने क्वेश्चन नहीं बनते, लेकिन जितने क्वेश्चन फर्स्ट थ्योरम के बनते हैं, तो इसलिए मैंने करवाने से पहले ही आपको कहा था कि फर्स्ट थ्योरम इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चन आ सकते हैं या ये थ्योरम खुद आएगी। थ्योरम तो निश्चित रूप से आने ही आने वाली है दोस्तों आपके एग्जाम में, आप खुद देख लीजिएगा। अब इस क्वेश्चन की बात हम करते हैं, क्या कहता है ये क्वेश्चन, इफ द सीक्वेंस ए एन एंड बी एन, दो आपको सीक्वेंस दे रखे हैं ए एन और बी एन, और कहा है कि ए एन तो ए की ओर कन्वर्स हो रहा है और बी एन किस ओर कन्वर्स हो रहा है, बी की ओर। तो आपको प्रूफ करना है ए वन बी एन माइनस ए टू बी एन माइनस वन प्लस डॉट डॉट ए एन बी एन भी क्या होगा, ए बी की ओर कन्वर्स होगा। कैसे करना है ये देखिए, सबसे पहले जो हम फर्स्ट थ्योरम में मानते हैं दोस्तों वही चीजें हमें माननी है। हम मान लेते हैं ए एन, क्योंकि ए वन ए वन ए टू प्लस ए एन, इस प्रकार ये एक और है आपके पास है, तो ए एन को आपने मान लिया ए प्लस एक्सन, यही तो आप मानते आए हैं। अब इसकी लिमिट लगाएंगे, लिमिट ए एन, अब आपको पता होगा अन से इन्फिनिटी लिमिट लगाएंगे, तो यहां पर लिखकर कहा है ए एन तो दो सेगमेंट्स आपको दिए हैं, ए वन ए एन तो किसकी ओर कन्वर्स हो रहा है, ए की ओर, तो यहां पर ये ए तो कन्वर्स हो रहा है ए की ओर, तो एक्स एन किस एक्स एन की लिमिट लगाएंगे तो वो क्या आएगा, कोई रिजल्ट नहीं आएगा, तो यानी एक्स एन जीरो की ओर बढ़ रहा है। तो यानी फर्स्ट थ्योरम से क्या होगा, लिमिट एक्स वन प्लस एक्स टू डॉट 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 प्लस एक्स एन जीरो की ओर अग्रसर होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपको ये प्रॉपर्टी ध्यान में रखनी है, अब यहां पर आपको वैल्यूज रखनी है, तो क्या देखिए, लिमिट सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, ए वन की जगह देखिए ए एन की जगह ये है, तो ए वन की जगह क्या हो जाएगा एक्स वन, तो ए प्लस एक्स वन इंटू में क्या आएगा साथियों, बी एन, ऐसे ही आगे बढ़ते जाए, माइनस है तो यहां पर माइनस लिखिए। ए टू की जगह यही प्रोसेस, ए प्लस एक्स टू और bn माइनस वन
इस प्रकार करके आगे आगे ये बढ़ता जाएगा और ए एन की जगह ए प्लस एक्स एन और बी वन। ठीक है, अब देखिए यहां पर अब कोई दिक्कत नहीं है, ए बी आपको लाना है, मल्टीप्लाई कीजिए लिमिट ए बी एन प्लस एक्स वन बी एन माइनस ए बी एन माइनस वन और प्लस एक्स टू बी एन माइनस वन और ऐसे करके ये आगे आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए क्या आपको यहां पर ए कॉमन आ रहा है, ये वाला आप देखिए दोनों पार्टों को अलग अलग करेंगे, एक पार्ट आप ऐसा बना लीजिए ए, यहां पर ये लिमिट लगाई है ए प्लस ए बी एन और यहां पर देखिए माइनस ए बी एन माइनस वन और इस प्रकार करके आगे आगे ये पार्ट जाएगा, यहां पर भी ए है दोस्तों और ये वाला पार्ट एक्स वन बी एन और माइनस एक्स टू बी एन माइनस वन, ये पार्ट भी क्या होगा इस तरह से आगे आगे बढ़ता जाएगा। यहां से ए दोनों में कॉमन आ रहा है तो ए बाहर निकाल लीजिए, बी एन माइनस बी एन माइनस वन और ऐसे करके करके ये लास्ट में कहां तक जाएगा, बी वन तक, और ऐसे ही एक्स वन बी एन माइनस एक्स टू बी एन माइनस वन ऐसे आगे जाएगा। अब ध्यान से सुनिए, अपॉन में अन है ही, अपॉन में अन चल रहा है दोस्तों। अब देखिए यहां पर ये लिमिट वाली प्रोसेस, अब देखिए इसकी वैल्यू तो आपके पास b है क्योंकि b होगा वो भी इसी तरह का होगा जैसा a हुआ था, बी एन माइनस बी वन इस प्रकार से b होगा, लेकिन आपको ये पार्ट हटाना है यहां से। अब आपको पता है b क्या है, बाउंडेड है, क्योंकि ये सेक्वेंस आपको दे रखा है बाउंडेड है, तो ये b क्या होगा, b की पावर n लेस देन इक्वल टू के किसी एक वैल्यू से क्या होगा उसके इक्वल या छोटा होगा, यानी उसकी ओर अग्रसर हो रहा है तो ये इसके वैल्यू की ओर अग्रसर होगा, तो यहां पर ये तो बी पार्ट तो हट जाएगा क्योंकि ये किसी एक फिक्स वैल्यू की ओर अग्रसर है। ठीक है, ए लिमिट बी एन माइनस वन प्लस डो डोट बी एन, ये देखिए ये बी एन तो आपके पास हट जाएगा, ये आप ये इधर ले आए के रूप में आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं या बाहर निकाल लीजिए, यहां पर देखिए दोस्तों के की ओर अग्रसर है तो ये के अपॉन अन दोनों का अन में भाग देंगे तो यहां पर ये आ गया। अब देखिए एक्स वन प्लस एक्स टू डॉट टू डॉट एक्स अन की ओर इस प्रकार ये अग्रसर हो रहा है, लेकिन दोस्तों हमने क्या पढ़ा है अभी, जो हमने प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी, क्योंकि एक्स वन की तो यहां पर लिमिट की लग रही है सभी की ओर, यहां पर भी ये लिमिट है दोस्तों, लिमिट लग रही है, तो यहां पर एक्स वन की हमने जो लिमिट लगाई थी एक्स की आपको पता होगी क्या लिमिट लगाई थी हमने, जीरो, क्योंकि ए ए एन बराबर ए प्लस एक्सन था, ए एन की लिमिट ए और ए थी, तो वहां पर एक्सन की लिमिट कितनी थी अभी मैंने क्वेश्चन में पहले देख सकते हैं आप थोड़ा सा वीडियो करके, तो उसमें मैंने बताया है कि एक्सन की लिमिट क्या थी, जीरो, तो ये पार्ट आपका क्या हो गया, जीरो। तो ए आपके पास है ही, अगर आप इसकी लिमिट लगाएंगे बी एन माइनस बी वन तो ये क्या आएगी आपके पास है? ए है और ये बी हो गई ए बी, यही आपको प्रूफ करना था और ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। इस प्रकार ही सारे क्वेश्चन आपको देखने में मिलेंगे, कुछ क्वेश्चन हम और करने वाले हैं लेकिन आज के इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन करने वाले हैं, उम्मीद करता हूं आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, मिलते हैं इस तरह के और वीडियोस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।